देपालपुर भाजपा के कद्दावर नेता व पूर्व मंत्री स्वर्गीय निर्भय सिंह पटेल की 23वीं पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भाजपा द्वारा किए गए इस आयोजन पर मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व विधायक जीतू जिराती ने अपने उद्बोधन पर पूर्व मंत्री निर्भय सिंह पटेल के जीवन पर प्रकाश डाला और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गढ़ने में भूमिका अदा की। निर्भय सिंह दादा का कार्यकर्ताओं से इतना जीवंत संपर्क था कि वह कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से पहचानते थे और उनके हर सुख दुख में खड़े रहते थे। देपालपुर से संवाददाता की रिपोर्ट। क्योंकि दादा एक जन नेता थे, एक जन नायक थे, उन्होंने इस पूरे प्रदेश को खड़ा किया। प्रदेश को खड़ा करने में स्वर्गीय निर्भय सिंह पटेल जी की बहुत बड़ी भूमिका थी। उन्होंने कई कार्यकर्ताओं को गढ़ा। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को लेकर के दिन रात जो उन्होंने मेहनत की, दिन रात जो उन्होंने इस राष्ट्र के लिए, प्रदेश के लिए काम किया, वो किसी से छुता नहीं था। आज स्वर्गीय निर्भय सिंह पटेल जी के इतने अनुयायी हैं कि पूरे प्रदेश में आज के दिन उनको लोग याद करते हैं। इंदौर जिले में तो एक भी गांव ऐसा अछूता नहीं है जहां पर उनके किए हुए कार्य न हो, जहां पर उनके कार्यकर्ता नहीं हो, जहां पर उनके द्वारा खड़े किए हुए नेता नहीं हो। आज अगर पूरे इंदौर भारतीय जनता पार्टी को आप उठा करके देखेंगे तो जितने नेता हैं उन या तो उन्होंने स्वर्गीय दादा के साथ काम किया है या फिर दादा ने उनको घर से निकाल करके नेता बनाया है। तो ऐसी पुण्य आत्मा का पुण्य स्मरण आज था और इंदौर के श्री राम मंडी पर उनकी प्रतिमा पर श्री माल्यार्पण हुआ। सांसद जी, महापौर जी, सारे विधायकगण, पूर्व विधायकगण, हाथोद में उनका स्मरण हुआ, उनका माल्यार्पण हुआ। गांधीनगर में उनका माल्यार्पण हुआ, बेटमा में माल्यार्पण हुआ, देपालपुर में माल्यार्पण हुआ। जहाँ पर देखा अगर जाए गौतमपुरा जैसी जगह पर उनका माल्यार्पण करके सारे कार्यकर्ताओं ने उनका स्मरण किया। निश्चित रूप से एक महान नेता थे, एक सच्चे राष्ट्रभक्त थे। अंतिम समय तक उन्होंने समाज के, राष्ट्र की चिंता की। आज के दिन हम सब कार्यकर्ता मिलकर के उनका पुण्य स्मरण करते हैं, उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसी तारतम्य में देपालपुर सेक्टर के सारे कार्यकर्ता हुए थे जिनसे उन्होंने साथ बिताए हुए समय को साझा करने का अवसर पाया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। खरगोन जिले के